आस्था सोलंकी माता जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम, कृपया बताएं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम शरणागत हैं या नहीं। बड़ा सिंपल है, कितने आगे का पालन करते हैं कितना भगवान को, कितने भगवान को भूलते हैं। मैं बताया था लेक्चर में, बताया आज कि आपका क्या स्वभाव है, आपको किस चीज़ में क्या चीज़ अच्छी लगती है। भगवान को याद करना अलग अलग रूप में हो सकता है, सुनना, पढ़ना, देखना भगवान को, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है कि आपको भौतिक चीज़ों में भी इंटरेस्ट है। और ये पता कब लगता है, दो चार दिन, दस दिन नहीं, महीना दो महीना नहीं, साल नहीं, ये आपको सालों जब करोगे ऐसे तब पता लगेगा कि आप सही स्थिति पे हो या नहीं हो। जैसे बोलते हैं ना कि जब आदमी मरने वाला होता है तो एक बार ऐसा लगता है कि जिंदा हो गया, सही हो गया, ज्यादातर देखा गया है वैसे लगता है सही हो गया, परंतु शरीर है, डॉक्टर मुकेश नहीं होता ऐसा क्या एकदम, बस उसके बाद हरी बोलो। ऐसे पानी जो है डुबोने से पहले फेंकता है बाहर, एक बार क्या करता है पानी, एक बार फेंकता है। इसी तरीके से जब ये क्या है, क्या कहा गया, अह तुकी अप्रतियता, भागवत क्या कहता है, स वही पुम साम पर धर्मा यथो भक्ति रथोक्षते, अह तुकी अप्रतियता, मतलब इसके लिए कोई कार में भक्ति क्यों कर रहे हो, कोई कारण है, बोलता नहीं कोई कारण नहीं, नहीं जी कोई कारण। दूसरा अप्रतियता मतलब कभी भी ये रुकनी नहीं चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, तब ये भगवान को सेटिस्फाई करेगी और आपको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई को हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ संतुष्टि भगवान को देगी और आपको देगी। तो ये दो वर्ड जरूर ध्यान रखना, अहेतु की अप्रतिहता, इसका मेरे को मुक्ति चाहिए, वो भी ठीक है, खराब नहीं है, परंतु वो हाइस्ट नहीं है, मुझे तो कृष्ण सेवा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस और कुछ नहीं, जीवन मेरा कोई और उद्देश्य नहीं, लक्ष्य नहीं, बस एक चीज़ है। ये भागवत का बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद रखिए, सब वही पुमसा परो धर्मा, सबसे श्रेष्ठ धर्म करना है, अहेतु की अप्रतियता, भगवान कृष्ण की भक्ति करना, वो भी कैसे अहेतु की, उसके पीछे कोई कारण नहीं होना चाहिए। तो आपको ये आपको पता लगेगा कि अंत में जब 20 30 40 साल कर लोगे, 10 15 20 साल करोगे और ये रहोगे, इसी में लगे हुए हो, बस यही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं, तब पता लगेगा कि हाँ हम तो दो चार दिन तो ठीक है। मन को कोई नई चीज़ करो तो बड़ा अच्छी लगती है, ये मन का बड़ा गंदा स्वभाव है। तो भक्ति भी एक नई चीज़ है, नई चीज़ कर रहे हैं, नया मुर्गा नया नया जब बांग देता है, खूब बांग देता है, तो इसलिए करते रहिए, बस इसी से पता लगेगा, रेगुलरिटी क्या वेरी इंपॉर्टेंट।